Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. Today we are going to discuss sampling and non-sampling errors. In this very video, we are also going to discuss important MCQs on methods of collecting primary and secondary data, tabulation of data, and sampling and non-sampling errors. The methods of collecting primary and secondary data and tabulation of data we have already discussed in our previous video from the same maths and statistics portion. So today we will be focusing on these topics which are right now on your screen. So let's begin with sampling and non-sampling error. I would request you to please subscribe the channel if you are new to this channel. So let's begin. Sampling and non-sampling error. Sampling and non-sampling error hota kya hai? In simple words, sampling error is one which occurs due to unrepresentativeness of the sample selected for observation. Conversely, non-sampling error is an error arising from human error, such as error in population identification, methods or procedure used, etc. अब अगर हम simple language में कहें sampling error क्या होता है, sampling error की मैं बात कर रहा हूँ, sampling error ये हुआ कि पहले sampling क्या हुआ, sampling हुआ, in simple language में आपको बता दूँ कि let's say you are cooking rice, आप चावल बना रहे हो, अब आपने देखना है कि जो चावल हैं, whether they are cooked or not, वो बन चुके हैं या नहीं, तो आप कैसे उसको देखोगे, आप क्या करोगे, वो चावल के ऊपर से, जो ऊपर वाली टॉप लेयर है, वहाँ से दो तीन दाने उठाओगे और उसको चेक करोगे कि वो बने हैं या नहीं, वो जो दो तीन दाने आपने उठाए, उसको बोलते हैं सैंपल. तो वही अब सैंपल का कंसेप्ट आई गेस आपको समझ आ गया होगा. तो अब सैंपलिंग एरर क्या हुआ, सैंपलिंग एरर इज वन विच आकर्स ड्यू टू अनरिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जांपल आपने चावल, अब चावल बने हैं या नहीं, तो आपने उसी बर्तन से चुनने हैं जिसमें आप चावल बना रहे हो, उसी चावल के दो तीन दाने उठाओगे, या कि जो किसी और बर्तन में चावल रखे हुए हैं पके हुए या कच्चे, वो उठा के आप देखोगे उसी बर्तन में से चावल जिस बर्तन में आपने चावल बनाने के लिए रखे थे, उसी बर्तन में से दो तीन दाने उठाओगे. अगर आपने किसी और बर्तन से उठा लिए तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो चावल उन बाकी चावलों के. तो आई गेस आपको ये एनालॉजी समझ आ रही होगी कि सैंपल क्या हुआ और सैंपलिंग एरर कैसे होता है, कि आपने ऐसा सैंपल उठा दिया जो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं. फॉर लेट्स से कि आप दिल्ली में हो, आपने दिल्ली पे कोई रिसर्च करनी है, दिल्ली के लोगों पे रिसर्च करनी है, बट आप दिल्ली वालों से बात कर ही नहीं रहे हो, आप कर रहे हो हरियाणा वालों से बात, तो वो हरियाणा वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं दिल्ली के. तो इस चीज़ से अगर एरर अराइज हो, इस चीज़ से अगर कोई मिस्टेक अराइज हो, उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर इज़ वन विच ऑकर्स ड्यू टू अनरिप्रेजेंटेटिवनेस, इम्पॉर्टेंट वर्ड है अनरिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैम्पल सिलेक्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन. ओके, सैम्पल का कंसेप्ट भी आपको आ गया कि सैम्पल क्या होता है, और अनरिप्रेजेंटेटिवनेस का भी आपको पता लगे, सैम्पल एरर, सैम्पलिंग एरर का आपको आई गेस समझ आ गया होगा. नाउ नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हुआ, नॉन सैम्पलिंग एरर हुआ इज़ एन एरर अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एरर. इसमें ये नहीं है कि आप दिल्ली पे रिसर्च करने, आप हरियाणा के लोगों से पूछ रहे हो, यहाँ वो नहीं है, यहाँ आप बराबर वहीं गए दिल्ली वालों से ही पूछ रहे हो, मगर वहाँ ह्यूमन एरर आ गए, सच एज एरर इन द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेथड, आपने कोई मेथड सही नहीं लगाया सैम्पलिंग करने का, और प्रोसीजर कोई, मतलब जब ऐसा प्रोसीजर में कोई गलती हो जाए, आइडेंटिफिकेशन या ह्यूमन एरर कोई आ जाए, वो सारा प्रोसेस आ जाता है नॉन सैम्पलिंग एरर में. और सैम्पलिंग एरर में क्या था कि आपने अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा लिए, जो कि उसको जो ओरिजिनल जहाँ जिस ओरिजिनली जिससे पूछना था उससे नहीं पूछा, कहीं और आप कर रहे हो. तो आई गेस आपको ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर में
मोटा मोटा आपको पता लग गया होगा। आगे फर्दर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम आगे मूव करेंगे। एन आइडियल रिसर्च डिज़ाइन सीक्स टू कंट्रोल वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि परफेक्ट आए आपके सामने सैंपल। बट देर आर सम पोटेंशियल सोर्सेज विच मे अफेक्ट इट। इन सैम्पलिंग थेरी टोटल एरर कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएशन बिटवीन द मीन वैल्यू। इंपॉर्टेंट रखें, वेरिएशन है, फ़र्क आता है बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू ऑब्टेंड इन द रिसर्च। अब पॉपुलेशन और सैंपल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। अब जैसे दिल्ली है, आपने दिल्ली पर रिसर्च करनी है, आपने सैंपल उठा दिया, दिल्ली में तो करोड़ों लोग हैं, समझ, लेट्स से करोड़ लोग हैं, एक वन करोड़ लोग हैं, तो आपने क्या किया, 100 लोगों का सैंपल निकाला दिल्ली में से, तो वो जो सैंपल 100 लोग हैं वो आ गया सैंपल, और पूरे एक करोड़ को बोलते हैं पॉपुलेशन। तो जब मीन पॉपुलेशन का और जो सैंपल चुना था उसका अलग अलग आए, तो उसी को बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स बोला मैंने, मीन अलग अलग आता है। द टोटल एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। अब फर्दर कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब मीनिंग, सबसे पहले सैम्पलिंग एरर इज़ ए टाइप ऑफ एरर ऑकर्स ड्यू टू सैम्पल सेलेक्टेड डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको कहा, रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, हरियाणा की पॉपुलेशन उठा दी। अगेन सेकेंड, नॉन सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग एन एरर ऑकर्स ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग। कोई और सैम्पलिंग से एरर नहीं हो रहा है, किसे एरर हो रहा है, वाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटी विच नोन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। एन एरर, फिर से देखें, एन एरर ऑकर्स ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग वाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। अब कॉज, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम, कॉज क्या है, जो कॉज है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर का। इन केस ऑफ सैम्पलिंग एरर कॉज क्या है, डेविएशन बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। वहाँ डेविएशन मतलब कि फ़र्क आ जाता है बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। आप पॉपुलेशन और सैम्पल का कंसेप्ट भी मैंने आपको दे दिया, दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन 1 करोड़ की, वो आ गया पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में जब आप सैंपल 100 लोगों का ड्रॉ करें तो वो आ गया आपका सैंपल। तो और सैंपलिंग एरर में क्या होता है कि पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल का मीन अलग अलग आता है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। इन केस ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर, डेफिशिएंसी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यहाँ पे हमें एक डेफिशिएंसी, या फिर हमें जब डेटा हमने कलेक्ट कर दिया अच्छी तरह, वहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक आ गई, ह्यूमन एरर आ गया, या कुछ और, फर्दर कंसेप्ट आगे क्लियर होगा जब हम आगे इसका पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर की ये दो पॉइंट हो गए। अगेन टाइप, इसमें रैंडम होती है इन केस ऑफ सैम्पलिंग एरर, और इसमें होती है रैंडम या नॉन रैंडम भी हो सकती है। ऑकर्स ओनली व्हेन सैम्पल इज सिलेक्टेड, जब सैम्पल सिलेक्ट हो रहा होगा तभी ये एरर आता है सैम्पलिंग एरर वाला। इन केस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, बोथ इन सैम्पलिंग एंड सेंसेस, जब भी हम कर सकें, बोथ केसेस में आता है। सैम्पल साइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव में आएगा 100%, आई एम श्योर इस पॉइंट में आएगा ही आएगा। सैम्पल साइज, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन सैम्पल साइज, मतलब कि इन केस ऑफ सैम्पलिंग एरर, अगर आप पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होने की गलती कम हो जाती है अगर आप सैम्पल साइज इंक्रीज कर दो। आपने 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, तो सैम्पल साइज 100 लिया था, तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर होने के बहुत चांसेस है क्योंकि आपने सैम्पल बहुत छोटा लिया है। मगर जैसे जैसे आप क्या करोगे, व्हेन यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ द सैम्पल, जब आप सैम्पल साइज इंक्रीज करोगे, 1 करोड़ लोग हैं, आपने से 50 लाख लोगों से अगर आपने सैम्पल ले लिया, तो सैम्पलिंग एरर होने का चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी मीनिंग यही है। और इन केस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सैम्पल साइज। ओके, तो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस डिफरेंसेस, नाउ एक डेफिनेशन बन के आती है सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर डिनोट्स ए स्टैटिस्टिकल एरर arising out of certain sample selected being unrepresentative of the population of interest. In simple term, it is an error which occurs when the sample selected does not contain the true characteristics, qualities of a figure of whole population.
अब मैं फॉर एग्जांपल अगेन मैं जाता हूँ दिल्ली की एग्जांपल पे, आपको दिल्ली पे रिसर्च करनी है, आप पूछ रहे हो दिल्ली के लोगों पे रिसर्च करनी है, आप पूछ रहे हो हरियाणा वालों से, तो वो तो रिसर्च ख़राब होनी ही होनी है। तो यहीं पे यहाँ पे भी यही कह रहा है कि वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ होंगी ही नहीं हरियाणा वालों में जो दिल्ली में होंगी, तो सैम्पलिंग एरर तब एराइज होता है। ओके तो फर्दर हम आगे चलते हैं। द मेन रीज़न बिहाइंड सैम्पलिंग एरर इज़ दैट सैम्पल ड्रॉज वेरियस सैम्पलिंग यूनिट्स फ्राम द सेम पॉपुलेशन बट द यूनिट्स मे हैव इंडिविजुअल वेरियंस, मोर ओवर दे कैन ऑल्सो अराइज आउट ऑफ डिफेक्टिव सैम्पल डिज़ाइन, फॉल्टी डिमार्केशन यूनिट्स, रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स डन बाई द इन्यूमरेटर फॉर देयर कन्वीनियंस, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज द डेविएशन बिटवीन ट्रू मीन फ्रॉम द ओरिजिनल सैम्पल एंड पॉपुलेशन। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सैम्पलिंग जो सैम्पलिंग एरर होता है वो पॉपुलेशन का मीन और सैम्पल का मीन में फ़र्क आ जाता है। और ये अराइज क्यों होता है, दे अराइज ड्यू टू फॉल्टी सैम्पल डिज़ाइन होगा, डिमार्केशन, रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टेटिस्टिक्स होगी, तो वगैरह वगैरह। फर्दर आगे हम देखते हैं, नाउ डेफिनेशन ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर क्या निकल के आती है। नॉन सैम्पलिंग एरर इज़ एन अम्ब्रेला टर्म विच कंप्राइजेज ऑफ ऑल द अदर्स अदर देन सैम्पलिंग एरर, बाकी जितने भी एरर होंगे सैम्पलिंग एरर के अलावा वो सारे आ जाते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में। दे अराइज ड्यू टू नंबर ऑफ रीज़न, क्या क्या रीज़न, एरर इन प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो वेरियस टाइप वेरियस मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड, लाइक इन केस ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन आप क्वेश्चनेयर बनाते हो, आप इंटरव्यू लेते हो, तो क्वेश्चनेयर यहाँ पे आया हुआ है कि एरर इन प्रॉब्लम क्वेश्चनेयर डिज़ाइन, आपने क्वेश्चनेयर इस तरह का डिज़ाइन किया है, जब क्वेश्चनेयर क्या होता है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप देते हो आगे रेस्पोंडेंट को, मतलब जिससे आप फॉर एग्जांपल दिल्ली वालों पर रिसर्च कर रहे हो, आप दिल्ली वाले लोगों को आप क्वेश्चनेयर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हो रेस्पॉन्ड करने के लिए, आपने क्वेश्चनेयर ही गलत बनाया है तो आपका नॉन सैम्पलिंग एरर होना ही होना है। अप्रोच, कवरेज, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रेस्पोंडेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सब क्या है कि आपका क्वेश्चनेयर गलत है, मतलब नॉन सैम्पलिंग एरर कैसे कैसे आ सकता है, अप्रोच आपकी गलत है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रेस्पोंडेंट्स वो भी गलत हो, डेटा प्रिपरेशन गलत हो, कलेक्शन टेबुलेशन एनालिसिस किसी भी स्टेज पे गलती हो सकती है, आपने कलेक्शन में गलती की, टेबुलेशन में गलती की, एनालिसिस में गलती की, टेबुलेशन ऑफ डेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, अगेन नॉन सैम्पलिंग एरर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आगे हम मूव करते हैं रेस्पॉन्स एरर, रेस्पॉन्स कौन देगा, इन सिंपल वर्ड्स रेस्पॉन्स देंगे दिल्ली वाले, आई एम अगेन एंड अगेन गोइंग बैक टू द दिल्ली एग्जाम्पल सो दैट आपको समझ आ जाए। रेस्पॉन्स एरर, एरर अराइजिंग ड्यू टू इनएक्यूरेट आंसर्स वर गिवन बाई द रेस्पॉन्डेंट्स, आप दिल्ली वाले पर रिसर्च कर रहे हो तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने क्वेश्चन एयर बांटा मगर उन्होंने क्या किया, इनएक्यूरेट आंसर्स दे रहे हैं दिल्ली वाले, तो इससे भी एक नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होता है। आर देयर आंसर मिस इंटरप्रेट द आर रिकॉर्डेड रॉन्गली, या वो आंसर मिस इंटरप्रेट कर दिया हमने, वो कुछ बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज बैरियर है कुछ है, तो उससे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हम उनके आंसर्स, या रिकॉर्डेड रॉन्गली, हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, ह्यूमन एरर आ रहा है यहाँ पे, रिसर्चर का एरर आ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ रिसर्च एरर, रिसर्चर्स एरर है, रेस्पॉन्डेंट एरर, इंटरव्यू एरर विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज रिसर्च, रिसर्चर्स एरर में क्या होता है, सरोगेट एरर है, सैम्पलिंग एरर है, मेजरमेंट एरर है, डेटा एनालिसिस एरर है, पॉपुलेशन डेफिनेशन एरर है, तो ये सब एरर जो हैं ये नॉन सैम्पलिंग एरर में आते हैं, ये फर्दर आगे आपको क्लियर हो जाएंगे, ये जस्ट मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं आपके लिए। रेस्पॉन्डेंट एरर्स में आ सकता है इनएबिलिटी एरर, अनविलिंगनेस एरर, जो रेस्पॉन्डेंट है वो अनविलिंग है आंसर देने को। इंटरव्यू एरर में आता है क्वेश्चन एरर, क्वेश्चन ही गलत है। रिकॉर्डिंग एरर आ गया, रेस्पॉन्डेंट सिलेक्शन एरर आ गया, आपने जो रेस्पॉन्डेंट सिलेक्ट किया है फॉर बींग क्वेश्चन्ड वो ही गलत है। चीटिंग एरर, क्या पता रेस्पॉन्डेंट चीट कर रहा है। अगेन लास्ट नॉन रेस्पॉन्ड एरर अराइजिंग ड्यू टू सम रेस्पॉन्डेंट हु आर ए पार्ट ऑफ सैम्पल डू नॉट रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं कुछ, तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर इस वजह से भी आ सकते हैं। फर्दर ये कंसेप्ट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर का आगे आपको क्लियर होगा। इन शॉर्ट आपको ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। अब नॉन सैम्पलिंग एरर अगेन इस कंसेप्चुअल एरर में, ये आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ,
कंसेप्चुअल एरर क्या, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड सूटेबल इन्यूमिनेटर, क्यों क्यों हो, वजहें हैं क्या क्या हो सकती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। जो इन्यूमिनेटर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसी से वो क्वालिफाइड ही नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ टू मेक दैम थ्रू विद द कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस इन्वॉल्व, वही कि क्वालिफाइड ही नहीं है एन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्टर है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपरली बता नहीं पाया रेस्पॉन्डेंट्स को कि किस तरह आपने रेस्पॉन्स करना है, तो उसकी वजह से ये एरर नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाता है। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द आर नेग्लिजेंस ऑफ द डेटा कलेक्टर, ओके। एरर्स ऑफ इनएक्यूरेट मेजरमेंट ड्यू टू इरोनियस फिगर ऑफ मेजरमेंट्स गिवन बाय द इन्फॉर्मर, तो यहाँ पे मेजरमेंट में गलत हो रही है, सारा रिसर्चर की गलती की वजह से होता है। एरर इन टोटलिंग में गलत हो रहा है, व्हेन देयर आर सो मेनी आइटम्स टू बी टोटल अप, टोटलिंग ऑफ सब टोटल्स मे बी क्वाइट ऑफन लीड टू सच एरर्स। एरर्स ऑफ ओमिशंस व्हेन प्राइमरी फील्ड वर्कर्स फेल टू सीक सर्टन क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ही आ जाता है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब नॉन सैम्पलिंग एरर कैसे कैसे हो सकते हैं। एरर्स ड्यू टू पर्सनल बायास ऑफ द इंटरव्यूअर, कभी कभी क्या होता है पर्सनल बायास है इंटरव्यूअर की, वो खुद वो किसी और पार्टी की तरफ वो झुका हुआ है, तो वहाँ पे भी एरर आता है। फॉर एग्जांपल इन द टुडे जो करंटली द मीडिया, इंडियन मीडिया वो इसी तरह का है, बायास्ड, इट लुक्स बायस्ड, तो सपोर्टिंग ए पर्टिकुलर पार्टी, तो ये बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए इंटरव्यूअर, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ एंकर्स आर बायस्ड, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स आता है। तो ये भी हो गया आपका, पुटिंग ए क्वेश्चन इन ए स्पेसिफिक वे फॉर टेलिंग सजेस्टिव आंसर्स, ओके, जैसे आजकल हो रहा है इन द मीडिया, दे आर पुटिंग ए क्वेश्चन इन ए सच अ वे कि वो अगला बंदा परेशान हो जाता है। एरर ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, व्हेन डेटा आर इनकन्सिस्टेंट विद द सिमिलर इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन सम अदर ब्लॉक्स ऑफ द स्केड्यूल। रेस्पॉन्स एरर आता है, जो आगे रेस्पॉन्डेंट्स हैं दिल्ली वाले, बैक टू दिल्ली एग्जाम्पल, ड्यू टू रॉन्ग नोशन प्रेजेंट्स इन द माइंड ऑफ द रेस्पॉन्डेंट, ड्यू टू सम काइंड ऑफ फियर, ड्यू टू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑन अकाउंट ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम, ड्यू टू इलिटरेसी, मे बी जो क्वेश्चनेयर उसको बांट दिया है वो इलिटरेट पर्सन है अगला बंदा, ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, ड्यू टू डिसेबिलिटी ऑफ द पुअर रेस्पॉन्स। ऑल दिस थेरी विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ, ये आपको यू हैव टू गो थ्रू इट सो दैट यू मे नॉट मिस एनी ऑब्जेक्टिव्स इन द एग्जाम, ओके। Errors due to prestige, self-interest, due to prestige, pride, informant may be introduced by bias by upgrading education, occupation, expenditure and downgrading age, income, etc. ये सब हो सकता है on the part of respondents, वो गलत information दे रहे हैं occupation, expenditure, upgrading education के बारे में, वो biased information दे रहे हैं, कौन? Respondents. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, आपका कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव आई एम श्योर नहीं छूटेगा। Again, errors due to recall lapse. If the recall period is longer, answer to the interviewer question may be based on guess or average. Errors due to absence of proper information. Errors due to incorrect identification of FSU, SSU. Boundaries not correctly identified due to lack of adequate efforts or due to misguidance by some person. Errors due to longer reference period. Ye sab, you should read it. Inculcation of information pertaining to period out of reference. Exclusion of information pertaining to period within the reference period. ये सब examples हैं, ये सब क्यों हो सकते हैं non-sampling errors. In conclusion, हम क्या कहेंगे sampling and non-sampling error के बारे में? To end the discussion, it is true to say that sampling error is one which is completely related to sampling design and can be avoided by expanding sample size. जो sampling error है वो sample design पे है, हमने representative population नहीं ली या कम ली, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? By expanding the sample size, by increasing the sample size. Conversely, non-sampling error is a basket that covers all the errors other than the sampling error, and so it unavoidable by nature as it does not possible to completely remove. और ये unavoidable होता है non sampling error, क्योंकि गलतियाँ होनी है, human error होना ही होना है. I hope आपको sampling
सैम्पलिंग समझ आ गया होगा और नॉन सैम्पलिंग एरर समझ आ गया होगा। हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स रिलेटेड जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने टेबुलेशन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया, फिर क्लासिफिकेशन और कंपाइलेशन ऑफ डेटा भी डिस्कस किया, आज हमने सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर डिस्कस कर दिया। बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आएंगे तो क्विकली आप देख सकते हैं MCQs बेस्ड ऑन टेबुलेशन ऑफ डेटा। जैसे कि पहला यहाँ पे है द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, आंसर है इसका सी टेबुलेशन। तो टेबुलेशन की डेफिनेशन आ गई समझ लो यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। तो फर्दर क्वेश्चन टू, व्हेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए सिंगल फीचर द टेबुलेशन इज नोन एज वन वे। ओके, ये सब आई डोंट थिंक आपको डिक्टेट करने की जरूरत है, यू शुड रीड देम और मेमोराइज देम। अगेन, विच फंक्शंस डज द टेबुलेशन ओरिजिन स्पॉट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इन द टेबल द अनचेक्ड टर्म इज नोन एज प्राइम इम्प्लीकेशंस। टेबुलेशन फॉर्म एक्सरसाइजेज मैचिंग प्रोसेस साइकिल, इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट टेबुलेशन मेथड वॉज नोन एज, तो इनमें से कोई भी नहीं। द टेबल वेयर द वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड विद इंटरलेटेड फीचर्स आर नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, टू वे टेबल। इन ए टेबुलर प्रेजेंटेशन द समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग क्लासेज आर डिफाइंड एज nominal distribution. General tables of data used to show data in an orderly manner are called as repository tables. Now moving on to MCQs on collection of primary and secondary data. They are not MCQs, in fact they are some in fact you will recap that thing now. What is primary data and what is secondary data? Define primary data. This is the question. Primary data is the collection of data collected by investigator for the purpose of the for the first time. These are collected from the source of origin. Matlab ki primary data kya hua? In simple words mein aage, agar aapne video na dekha ho mera, let's say आप अगेन बैक टू दिल्ली एग्जांपल, आपको कहा गया है कि दिल्ली पे रिसर्च करो, दिल्ली के लोगों पे, तो आप पहले क्या करोगे, आप बुक्स देखोगे, दिल्ली पे बुक्स लिखी हुई है या इंटरनेट पे मटेरियल लिखे या मैगजीन न्यूज़पेपर में दिल्ली के बारे में लिखा होगा। जो ये मैं बता रहा हूँ चीज़ें, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन्स, ये सब आता है सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा या आ गया सेकेंडरी डेटा। बट अगर आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली के लोगों से खुद फेस टू फेस बात करोगे, दैट कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। आप कैसे फेस करोगे, किस तरह आप डेटा कलेक्ट करोगे, वो मैंने वेरियस मेथड्स आपको बताए हुए थे, बहुत सारे मेथड्स थे जिसमें मेथड आपका मैंने बताया था, क्वेश्चनेयर बताया हुआ था मैंने, क्वेश्चनेयर के बाद इंटरव्यू बताया हुआ था मैंने, तो ऑब्जर्वेशन बताया हुआ था और फर्दर स्केड्यूल बताया हुआ था, वो सब पार्ट फर्स्ट ऑफ दैट वीडियो, यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर आगे चलते हैं जल्दी से, डिफाइन सेकेंडरी डेटा। अगेन सेकेंडरी डाटा मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा अनपब्लिश डेटा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सब कुछ ये आ जाता है सेकेंडरी डेटा में। मूविंग ऑन, व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ डेटा, द टू सोर्सेज ऑफ डेटा आर प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। मैंशन क्वेश्चन नंबर फोर, मैंशन टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, द टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगेन सेकेंडरी डेटा आई और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में आई गेस आपको फ़र्क भी समझ आ गया होगा अगर आपने वो वीडियो मेरा पुराना देखा भी है या नहीं। इन वट पैरामीटर इज स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड इन द सेंसस ऑफ इंडिया। अगेन द पैरामीटर इज स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड इन द सेंसस ऑफ इंडिया आर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो फर्दर मैंशन टू डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से हैं, लेस एक्यूरेट होता है, बायस्ड होता है, डाउटफुल कंक्लूजन्स निकल के आते हैं अगर आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करें। अगेन द सेवन्थ,
The progress report of a railway published by railway department is of what kind of data? क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो ये क्लियरली दिख रहा है द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ ए रेलवे पब्लिश्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट इज ए सेकेंडरी डेटा. क्वेश्चन एट, व्हेन ए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन. व्हेन इज ए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन. द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सूटेबल फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा ओनली ऑन द situation when the investigation is confined and less authentic and accurate information is required. The data is to be kept secret. Direct contact with the information is needed. Okay, what are the qualities of a good questionnaire? Less number of question hone chahiye, isme should be clear, proper order of question hona chahiye, non controversial hona chahiye, question related to topic hona chahiye, request of return hona chahiye. To question request of return means ki jo aapne questionnaire diya ek पेज पे लिख के दोगे क्वेश्चनर, तो वो रिक्वेस्ट करनी है कि वो वापस भी लिख जाए. वहाँ पे क्वेश्चनर पे नीचे मेंशन होना चाहिए कि वापस कर दो ये क्वेश्चनर, क्योंकि उसमें डेटा है. तो इसके साथ साथ इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आई गेस आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में भी काफ़ी हेल्प मिल गई होगी. हाउ टू हाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. तो वन ऑफ द मेथड है क्वेश्चनर, और क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर आपके सामने है ये. व्हाट इज पायलट सर्वे मेथड. A pilot survey is essential because it helps is a why is pilot survey important? क्यों है? It helps in assessing the quality and suitability of question. It evaluates the performance of enumerator. It helps in designing a set of rules for the investigator. It estimates the time and cost involved in the final study. Pilot study कुछ नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चनेयर दे रहे हो किसी को, मगर साथ में एक इन्यूमरेटर, एक गाइड वहाँ रख रहे हो कि वो प्रॉपरली गाइड करे रेस्पोंडेंट्स को, कि वो प्रॉपरली रेस्पॉन्स करें. ओके, अगेन, व्हाट इज़ द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स. यूनिवर्स मतलब होता है पॉपुलेशन. बैक टू डेली एग्जांपल, होल पॉपुलेशन. ओके, डिफाइन सैंपल. सैंपल क्या हुआ? अगेन रिपीट हो रहा है आपको. सैंपल हुआ उस पॉपुलेशन में से जो आपने सैंपल निकाला. सैंपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन. ओके, इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिवनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डिफाइन सेंसस मेथड. इन द इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा वेयर ईच आइटम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्टेड. एक्सप्लेन द सैंपल मेथड. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन विच द सैंपल ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइटम्स आर एग्जामिन्ड एंड कंक्लूजन इज आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस. Finally, what do you mean by random sampling? In this method, every item of the universe have an equal chance of being selected in the sample. Random sampling वो हुई कि randomly है. आप एक क्लासरूम में 50 बच्चे, आप गए randomly किसी को भी चुन सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, random selection में क्या होता है, हर एक बच्चे को चांस है ऑफ बींग सिलेक्टेड. 16, what is the purpose of deliberate sampling? It is a sampling method where the investigator choose the sampling item according to its opinion and best for population. नाम ही है कि deliberate sampling क्या हुई. Sample ही वही कर रहा है, Delhi जाके sampling वैसी कर रहा है कि deliberately खुद चुन रहा है कौन सा मैंने sample चुनने हैं. Define stratified and mixed sampling. In this method the universe is divided. Universe means population is divided into two groups having different characteristics and the items are selected for each group so the entire group is represented. ओके, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा बनाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो वहाँ से सैंपल चुनते हैं. एक्सप्लेन सिस्टमैटिक सैंपलिंग. इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग पॉपुलेशन यूनिट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स नंबर्स एंड ज्योग्राफिकल. हेयर एवरी nth नंबर nth न्यूमेरिकल आइटम इज सेलेक्टेड एज ए सैंपल. इसमें कोई सिस्टमैटिक सैंपल होती है. सिस्टमैटिक सैंपलिंग मीन्स आपने दिल्ली के 1 करोड़ लोगों पर सैंपलिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि मैं हर 10th जो दिल्ली का बंदा है वो उससे पूछूंगा, हर 10th 9 को छोड़ दूंगा, हर 10वां आदमी जो मिलेगा. तो एक सिस्टम आप बना रहे हो, उसी तहत आप सैंपल इकट्ठा कर रहे हो. ओके, अगेन, व्हाट इज़ कोटा सैम्पलिंग. यहाँ आपकी सैम्पलिंग का पूरा हो गया. हेयर द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन आर ग्रुप इन टर्म्स ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे कोटा बनाते हैं सैम्पलिंग्स का. व्हाट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग. नाम खुद बता रहा है. इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स कन्वीनियंस.
Now moving on to finally MCQs on sampling and non-sampling errors, जो just we have discussed. तो जैसे यहाँ पे लिखा है, some doctors who did not give any charity care may say that they did. If so, the study suffers from. अगर कोई आपने किसी से पूछा कि आपने चैरिटी की है कि नहीं, जैसे डॉक्टर्स की यहाँ एग्जांपल थी, वो झूठ बोलेंगे हमने की है, तो कौन सा एरर अराइज होगा? बायस्ड है यहाँ पे. तो आंसर इज दैट सैम्पलिंग रिजल्ट विल बी सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेटेड द ट्रू परसेंट ऑफ द डॉक्टर हु गेव चैरिटी केयर. तो यहाँ बायसनेस आ जाएगी. तो ए सेंसस इज अगेन ए सैम्पल दैट अटेम्प्ट्स टू इंक्लूड द एंटायर पॉपुलेशन. जब सेंसस करते हैं हम कोई भी लोग नहीं छोड़ते हैं. जैसे सेंसस करना है आप हमने इंडिया का, तो सेंसस में क्या होता है, हम कोई भी इंडिविजुअल नहीं छोड़ते. अगेन ए रेडियो टॉक शो इनवाइट्स लिसनर्स टू कॉल ए टेलीफोन नंबर टू वोट येस आर नो ओके ऑन वेदर दे सपोर्ट ए बॉन्ड इशू फॉर ए न्यू स्कूल. अबाउट 1500 पीपल कॉल इन, ओवर 80% से नो over 80% say no, and as an estimate how of community opinion the result is, iska answer hai badly biased due to voluntary responses hai yahan pe. Okay, biased hai. Again exit polls are a form of convenient sampling. Exit poll jo hai convenient sampling exam hai. Kyun? Where the surveyor asks those who are leaving the poll booths on election day. ये convenient sampling है. A teacher wants to know the average time spent doing homework by the students in her class of 220 girls and 5 boys. She selects the first 5 who raise their hands. तो ये क्या है, voluntary response है. Source of bias in which people choose to respond and usually only people with very strong opinion respond. तो इसमें कौन सा क्या है, voluntary response again. Source of bias in which some group of population are left out of the selection process. तो ये क्या है, under coverage है. Source of bias that occurs when an individual chosen for the sample can't be contacted or refused to cooperate. तो ये क्या है, non-responsive हो जाएगा यहाँ पे. Okay. Source of bias that occurs when you ask people who are easy to ask. तो ये convenient sampling में आ जाता है. The process of gathering information data from each member of the population, इसको census बोलते हैं. Again यही पे. A school principal wants to offer an after school club setting. She decided to survey 300 students about this. Which word best describes the group of 300 students? Sample. Okay. Again, dash is the entire group of objects or individual considered for a survey. Population. जब आप entirety की बात करते हो तो population आ जाता है. Identify the population. A restaurant wants to know if customers buy dessert when they eat out. तो research क्या है? Restaurant जानना चाहता है क्या? Wants to know if customers buy dessert when they eat out. As people leave the restaurant on one evening, 20 people are surveyed at random. 8 people say they usually order dessert when they eat out. The restaurant concluded that most customers do not order dessert. तो इसका क्या है? All customers who eat at this restaurant. A survey is conducted where participants are asked how frequently they wear their seat belt when they are in cars. What type of bias will the surely like to suffer from? Response bias. यहाँ पे वो naturally वो response देंगे कि हम पहनते हैं, सारे बोलेंगे, जबकि बहुत सारे नहीं पहनते. यहाँ पे respondent जो है वो biased होगा. Why do we randomly select our samples? क्यों? Reduce bias, ताकि biasness कम हो जाए. So I hope आपको ये video पसंद आया होगा. So please kindly subscribe to this channel and thanks for watching. Thank you very much.